बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए और सूरज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। मेगा जी ने आज आके मेरी खुशी को चार चांद लगा दिए और चांद को मजीद रोशनी मिल गई। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मेरे जर्नलिस्ट जितने भी आए हुए हैं सबका, और आप लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप सलामत रहें, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी दिल से दुआ है। थैंक्स फॉर कमिंग। विश कर दूँ, मेरा इधर आने का मकसद ही यही है कि मैं अपनी बहन को बेस्ट विशेस देने आई हूँ। अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और हम इसी तरह एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते रहें। और मेरे सामने जो मेरे दोस्त हैं, बाप हैं, जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं, मेरे बहन भाई हैं, सब यहाँ पर एक अकेले के एक फैमिली इवेंट पर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम सब एक फैमिली की हैसियत रखते हैं और हम एक दूसरों की खुशी में, अल्लाह ना करे गमी में, हम शरीक होते हैं। तो आज इट्स हार्ड डे, सो हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है। एंड फरा, यू गेट मोर एंड मोर। हैप्पी बर्थडे हिप हिप हुरे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली हमजा। आप देख रहे हैं सूर्य टीवी चैनल। मीडिया के साथ गुफ्तगू करने के बाद फरा नाज ने और मेगा जी ने अपने हाथों से केक काटा अपनी सालगिरह की तकरीब पर। मैडम फरा नाज ने कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब के सदर चौधरी इरफान शौकत को अपने हाथों से केक खिलाया और उनका शुक्रिया अदा किया कि वो उनकी सालगिरह की तकरीब पर शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, की हाल है? ठीक हो जी? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। सारे उर्दू चिंतू कर देने से जड़ा पंजाबी जी करांगे। चलो जी पंजाबी जी गल कर लो। आजकल दसो तुसी के ड्रामा कर रहे हो सर? ड्रामा नहीं जी, मैं आफताब इकबाल साहब का प्रोग्राम है खबर यार, उन दे विच जनाब कम करना। ते शुक्र अल्लाह दा बड़ा करम है, बेहतरीन जी। जान जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम ये दसो तुसी की करते हो? मैं एक्टिंग करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ और बस यही करती हूँ। आजकल कौन से ड्रामे में एक्टिंग और मॉडलिंग कर रही हैं आप? अभी मैं काफ़ी ड्रामे में एक्टिंग भी कर रही हूँ, एज अ मॉडल मॉडलिंग शूट भी कर रही हूँ। अभी कल के मैंने फैशन शो किया है और मूवीज में भी काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट हैं इनके साथ मैं कर रही हूँ। अच्छा ये आप टिकटॉक भी करती हैं कि नहीं? जी जी मैं टिकटॉक भी करती हूँ। अच्छा हमारा जो कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब है उसमें हमने टिकटॉकरों को ऑफर किया है कि वो हमारे कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब में आके अपनी परफॉर्मेंस करें। ओके सूरज टीवी के लिए पैगाम देना चाहते हैं? जी सूरज टीवी के लिए बस यही पैगाम है कि अच्छे लोगों को प्रमोट किया जाए और इनको जो न्यू टैलेंट है उन्हें चांस दिया जाए आगे बढ़ने का। बहुत शुक्रिया जी। हसन जी, जैसा कि दुबई में मेरी अपनी एक अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी है, इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस मैनेजमेंट की कंपनी मैं रन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उमाइमा मलिक, मैं यहाँ मौजूद हूँ अपटाउन एलए में। यहाँ पे लोग आते हैं, खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, खेलती हैं और इंजॉय करती हैं, यहाँ पे गेम खेलती हैं। आप भी आए कभी देखें आगे, यहाँ पे बॉलिंग, यहाँ पे ये दुनिया का वाहिद क्लब है जहाँ पे फैमिलीज आती हैं। मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पे फंक्शंस कर सकते हैं, बर्थडे कर सकते हैं, मैरिज हॉल बने हुए हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा खाना मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। सदर कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब ने भी इस पार्टी को खूब इंजॉय किया और बॉलिंग गेम का भी मज़ा लिया, और बॉलिंग गेम खेलने के साथ साथ उन्होंने तमाम 24 स्टार के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस पार्टी को। सूरज टीवी के तमाम नुमाइंदगान ने टिकटॉकर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ अपनी तस्वीरें बनवाईं और पार्टी के फंक्शन को खूब इंजॉय किया। सूरज टीवी की टीम ने इस पार्टी को खूब इंजॉय किया। उन्होंने फरा नाज़ से कहा कि इस पार्टी में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उन्होंने तमाम टिकटॉकर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ तस्वीरें उतरवाई और वो इस बात से बहुत खुश हैं कि वो इस पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी पर मेगा जी की आमद की वजह से इस पार्टी को चार चांद लग गए और तमाम लोगों ने पूरी रात तक इस पार्टी को खूब इंजॉय किया और मैडम
फरा नाज ने मैडम मेघा जी का शुक्रिया अदा किया कि वो इस पार्टी में तशरीफ़ लाई। उन्होंने उनको अपने गले लगाकर कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पार्टी में तशरीफ। इस पार्टी की तकरीब में बहुत से सीनियर आर्टिस्ट वगैरह ने शिरकत की। इस पार्टी की तकरीब पूरी रात तक चलती रही और लोगों ने इस पार्टी को खूब इंजॉय किया और लोगों का कहना था कि इस पार्टी को उन्होंने यादगार बना दिया।